प्रश्न एक, उत्साह कविता में वर्णित कवि की केंद्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और उनका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना रहा है। बादलों के गर्जने बरसने का प्रतीक क्रांति, बदलाव व विद्रोह का प्रतीक है। इसी क्रम में उत्साह मुख्य रूप से एक आह्वान गीत है जो बादलों के माध्यम से दो बातों को एक साथ कहने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कवि की भावना है कि बादल पीड़ित व प्यासे जनमानस की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर को जन्म देने के साथ साथ लोगों के अंदर क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने वाला है। कवि जीवन को बहुत व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांतियां बदलाव में साहित्य की भूमिका होती है। कविता उत्साह में कवि इसमें नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादलों को नव शिशु के धुंधराले बालों की उपमा देकर गर्जन करने को कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि बादलों को धीमे धीमे बरसने को न कहकर नव क्रांति चाहते हैं।